अंजलि ध्यान दो बेटा, सब स्टूडेंट देखो। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, आज हम शुरू करेंगे अपना एक छोटा सा टॉपिक मेंसुरेशन। लेकिन उसके बाद मैं आपको देखो आपको बताऊं, अब ये तैयारी जो हमारी चलेगी मेंस की चलेगी, उसमें बेटा मेन टॉपिक हमारे तीन ही रहते हैं मेंस के बेटा, उसमें हमारे तीन ही टॉपिक रहते हैं, साइना खान, प्रांजलि। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसमें तीन टॉपिक हमारे इसमें रहते हैं। एक सबसे पहले बेटा डीआई रहता है, डीआई सही है। डीआई के बाद बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहता है, सही है। तीसरा बेटा उसमें रहता है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और बेटा एक हम करा देते हैं आपको मेंसुरेशन। ये चार टॉपिक हमें कराने हैं मेनली, ये चार टॉपिक हमें मेनली कराने हैं। अब यहाँ बेटा डीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पूछे जाएंगे बेटा। अब 35 क्वेश्चन में डीआई में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक भी रहता है, मैं ये नहीं कह रहा अर्थमेटिक नहीं रहता, लेकिन अर्थमेटिक मैं आपको करा चुका हूँ। हाँ जी एक क्लास है अर्थमेटिक बेटा मैं आपको करा चुका हूँ। तो मेनली हमारा यहाँ जो टॉपिक अब मैं आपको कराऊंगा वो मेंसुरेशन कराऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा और प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। उसके बाद बेटा मैं आपको डीआई कराऊंगा, उसके बाद बेटा मैं आपको क्या कराऊंगा, डीआई कराऊंगा, ठीक है ना? बोलो बोलो। क्लास मेरी बेटा 1 घंटे की, अंजलि अंजलि 1 घंटे की, सही है ना? साइना खान, ये चार टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो इसी में से रहते हैं, 15 क्वेश्चन यहां से रहते हैं बेटा, और 3-4 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, और बाकी बेटा अर्थमेटिक से रहते हैं। बाकी रहते हैं बेटा किससे? अर्थमेटिक से, ये अर्थमेटिक से, ठीक है। पंकज, क्रांति, छह पंद्रह से नहीं है साइना आज मेरी क्लास बेटा, 6:15 से नहीं है, 5 से 6 तक ही है। हाँ बेटा मेंस का सिलेबस है दीपिका, उसमें आपको मैं एक बात बता दूं दीपिका, कि मैं जो अर्थमेटिक करा चुका हूँ वो आप रिवाइज खुद करोगे, वो आप रिवाइज बेटा खुद करोगे। अब मेनली मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा, ये मैं आपको करा चुका हूँ इसीलिए इसे नहीं देखेंगे। और उसमें मैं आपको बता दूं सीरीज वीरीज मैं थोड़ा देख लूंगा, 1-1-2 दिन करा दूंगा, सीरीज है और टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन मैं आपको करा चुका हूँ बेटा, और सिंप्लीफिकेशन मैं आपको करा चुका हूँ, वो फ्री में आता है, ठीक है ना बेटा? मेनली टॉपिक हमारे ये है बेटा। साइना खान हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो कम से कम वीडियो तो ऑन करिए, हैप्पी बर्थडे। आप जिए हजारों साल, ये दुआ है मेरी, आपका जल्दी सिलेक्शन हो, ये दुआ है मेरी आपके लिए। हाँ साइना, ये दुआ है मेरी, आज साइना खान का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे साइना, गॉड ब्लेस यू। चलो तो अब मैं शुरू करता हूं बेटा, पहले मेंस्ट्रुएशन शुरू करता हूं, और मेंस्ट्रुएशन में पहले मैं आपको बेटा फॉर्मूले लिखा देता हूँ। मेनली बेटा मैं फॉर्मूले लिखाता हूँ आपको सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन में। तो देखो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ध्यान देना बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है बेटा, ध्यान देंगे अंडर रूट एस, हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तीसरा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ये ए प्लस ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड है बेटा, ट्राइंगल की तीनों क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हमारी ए होगी साइड, ये बी होगी, और ये हमारी साइड क्या होगी, सी होगी। तीसरा ध्यान देंगे एरिया ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड बेटा इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्या होता है रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। इसकी हाइट ध्यान देंगे, हाइट, हाइट कह सकते हो आप, एल्टीट्यूड कह सकते हो आप, परपेंडिकुलर कह सकते हो, तीनों एक ही नाम है, परपेंडिकुलर, रूट थ्री बाई टू इंटू ए, रूट थ्री बाई टू इंटू ए। जल्दी उतार रही है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ध्यान रखना ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जल्दी कॉपी करिए बेटा। बेटा फ्री वाले पढ़ दो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक तो बेटा साइना खान फ्री वाला ही पढ़ लो। हेलो दीपशिका क्या हाल है बेटा, हेलो दीपशिका क्या हाल है, गुड इवनिंग आयुषी भरद्वाज, मैं भी ठीक हूँ, आशीर्वाद है आप लोगों का बेटा, मैं भी ठीक हूँ, बस आशीर्वाद है आप लोगों का। हेलो क्रांति, पंकज सिंह, मंजुल, राम राम बेटा, खुश रहो मंजुल। कॉपी कर लिया बेटा, ममता तोमर, कॉपी कर लिया सबने बेटा, जल्दी बोलो। चलो मैं देखता हूँ, आदित्य शर्मा देखता हूँ बेटा, पंकज की सिस्टर का नाम है कविता, चलो बहुत अच्छा। नहीं आज 6 बजे के बाद नहीं, आज इतनी ही है बेटा क्लास मेरी, 5 से 6। बेटा कॉपी कर लिया, रोहित यादव गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग, मैं देख लूंगा बेटा, मोहम्मद हारून बोल दूंगा आज मैं। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान देंगे, स्क्वायर जानते ही हो आप लोग, स्क्वायर साइड ए, ए अब पैरामीटर तो ध्यान देंगे, ये कोई याद करने की चीज नहीं है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। और यद हमें डायगोनल भी दिया है साथ में, यद हमें डायगोनल भी साथ में दिया है, यानी कि ये हमें दिया है डी, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ये भी डी, ये डायगोनल डी, ये डायगोनल डी, तो क्या होगा इसका एरिया, एक और फॉर्मूला बताता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, उस केस में जब हमें डायगोनल दिया हो, हाफ डी स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए रूट थ्री, ए रूट टू, ए रूट टू, ए साइड रूट टू। अब देखो पैरामीटर कोई याद करने वाली चीज नहीं है, वैसे मैं फिर भी आपके लिख देता हूँ, एक पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, या कोई भी शेप है, पैरामीटर होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, सबके लिए है बेटा ये सम ऑफ ऑल साइड्स,
तो ये क्या हो जाएगा, 4a, 4a। इसके बाद रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, सम चतुर्भुज बोलते हैं बेटा इसको। देखो कैसे, इन दोनों में अंतर है बेटा, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, हर एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर में। यहां बेटा कोई एंगल ये 90 डिग्री नहीं होता, साइड सभी बराबर होती हैं, यही बात है, केवल साइड बराबर होती हैं चारों के चारों, लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होता। डायगोनल यहां बराबर होते हैं, यहां डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन बाइसेक्टर एट राइट एंगल, बाइसेक्टर एट राइट एंगल, ये भी 90, ये भी 90, इसको कहेंगे हम डी वन, इसको कहेंगे हम डी टू, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा हाफ डी वन इंटू डी टू, हाफ डी वन इंटू डी टू एरिया, हाफ डी वन इंटू डी टू, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पैरामीटर 4a हो गया इसका भी, तो याद नहीं करना पैरामीटर, लिख देता हूं, हालांकि मैं लू पैरामीटर क्या होगा 4a, 4a। जल्दी उतारिये फटाफट स्पीड में, हाँ भाई साइना, तो आज तो पार्टी वार्टी होगी, आज तो साइना आज तो पार्टी वार्टी होगी, हमारी पार्टी डीवी आपके ऊपर, बोलो दोगी, चलो बहुत अच्छा। बताया था भी दीपिका मुझे, नहीं बेटा निकिता लास्ट क्लास नहीं, अभी शुरू किया है मैंने, अभी मैं कराऊंगा इसमें प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा, मेंस के लिए डीआई और कराऊंगा। हैं निकिता, मैनेजमेंट बात करने वाली है, कैसे बेटा, कैसे बेटा, क्या मतलब, कितने बजे, कितने बजे बेटा, क्लास के बीच में आएगा कोई, चलो देख लेंगे, अच्छा अनुकूल सर कह रहे थे आपसे, पता नहीं बेटा मुझे नहीं पता, पता नहीं बेटा मुझे नहीं पता, चलो ये लिख लिया बेटा, हो गया तक, यहां तक हो गया सबका, जल्दी बताइए, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दो बेटा, रेक्टेंगल जानते हो ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये छोटा छोटा बना रहा हूं, बड़ा नहीं बना रहा ज्यादा बेटा, मैं ध्यान रखना, ये एल और ये बी, सही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल 2l प्लस बी, बहुत आता है क्वेश्चन इसके ऊपर बेटा, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, 13 में ध्यान देंगे, देखो ये रेक्टेंगुलर पार्क है कोई, ध्यान देना बेटा, ये कोई हमें रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, सही है, ये बेटा हमें कोई रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, लेंथ l है, ब्रेथ b है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ध्यान देंगे x मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता बना है, x मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता बना है, ध्यान देंगे ये x, ये x, ये भी x, ये भी x, सही है, x मीटर चौड़ाई का, ये l था, ये बाहर रास्ता, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कई बार पूछता है,
इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है बाहर हो तो क्या होता है, ये बाहर वाला हो जाएगा एल प्लस टू एक्स, इधर एक्स बड़ा इधर एक्स बड़ा, एल प्लस टू एक्स, ये बी प्लस टू एक्स, एक्स इधर बड़ा एक्स बड़ा बी प्लस टू एक्स, ये हो गया। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ टू एक्स एल प्लस बी प्लस टू एक्स, एल प्लस बी प्लस टू एक्स। चौदहवां, जब पाथ अंदर हो, ये बाहर था बेटा, जब ये पाथ हमारा अंदर हो तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने क्या बोला, जब ये पाथ हमारा बाहर हो, बाहर हो, जैसे ये एल, ये बाहर था, अंदर हो, ये हमारा एल सही है, ये हमारा बी, अंदर कोई पाथ हो इस तरह से, इस तरह से अंदर पाथ हो, ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स, देख रहे हैं, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये अंदर है, ये बस ये बात ध्यान रखना है, चारों ओर बाहर है या अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा बेटा, 2x l plus b minus 2x, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना बेटा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में कम निकाले, चलो दीपशिका, मेरा तो बेटा कब का पूरा हो गया, फिर भी मैं आ रहा हूं पढ़ाने, हाँ सायना, एट्थ नाइन्थ में फॉर्मूला आता है, बिल्कुल एट्थ नाइन्थ की चीजें पढ़ा रहा हूँ बेटा, बस इनसे ही आपको बैंक पीओ बना दूंगा, चिंता मत करिए, इनसे ही आपको बैंक पीओ बना दूंगा। और मंजुल क्या हाल है, कीर्ति ठाकुर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, अब देखो हाँ क्लियर साइना, दिल से क्लियर, पंकज सिंह, संजय सिंह, मंजुल, पता नहीं बेटा मुझे, दीपशिखा मुझे नहीं पता बेटा, दिल से क्लियर, कई बार आ जाते हैं और कई बार नहीं आते, तो साइना खान आज 20 साल के हो गए आप, एकदम क्लियर, डन। 14 पे क्या लिखा है बेटा, एरिया ऑफ पाथ, ये भी एरिया ऑफ पाथ, ये जब अंदर हो पाथ और ये पाथ बाहर हो हमारा, चलो कॉपी किया बेटा, कॉपी किया बेटा, डन, ज्योति विश्वकर्मा डन, चलो देखो नेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये रास्ता पैरेलल होता है, ये रास्ता क्या होता है, पैरेलल होता है बेटा, देखो लेंथ के और ब्रेथ के पैरेलल दो रास्ते बने होते हैं, ये एल है ये बी है, एक रास्ता लेंथ के पैरेलल, ये एक्स मीटर चौड़ाई का, एक रास्ता बेटा ब्रेथ के पैरेलल, ये एक्स मीटर चौड़ाई का, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ भी ये दो बार आता है, देख रहे हैं ये बेटा दो बार आता है, तो ये एल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एरिया एक्स कॉमन, एल प्लस बी माइनस एक्स, एल प्लस बी माइनस एक्स। पंद्रहवां, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये
ये हमारा ए है, ये बी है, हाइट एच है, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू ए प्लस बी इंटू एच, सॉरी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 16 ध्यान देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सभी जानते हैं बेटा, सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा? ये सर्कल हमारा, रेडियस हमारी आर, रेडियस आर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जानते हो, 22/7 दी होती है क्वेश्चन में। सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर इसकी की बात होती है बेटा, सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर एक ही बात होती है, पैरामीटर एक ही बात होती है, 2πr, 2πr। जल्दी करो बेटा, एकदम डन डन डन। हाँ सुदीप, फॉर्मूले तो हैं इसमें बेटा, चैप्टर फॉर्मूले वाला है ये चैप्टर बेटा, फॉर्मूले वाला है चैप्टर बेटा, फॉर्मूले वाला है। बेटा याद ही करने पड़ेंगे, बार बार लिखने पड़ेंगे बेटा, दीपिका ये बार बार लिखने पड़ेंगे आपको। 18 माँ अभी तो बेटा 2D के हैं। लास्ट वाला सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर, 2πr परिधि बेटा, ये 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर एक ही बात होती है। 13 माँ 14 माँ बेटा, ओहो, 13 में 14 में रिपीट कर दें, मोस्टली याद है बेटा। 13 में 14 में ये मैंने बताया कि ये एरिया, ये बाहर बनाए पाथ कैसे निकालते हैं, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया से एल प्लस टू एक्स इंटू बी प्लस टू एक्स, बी प्लस टू एक्स अंदर वाला माइनस कर दो, माइनस एल बी, सॉल्व करेंगे एल बी प्लस टू एल एक्स प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर माइनस lb, lb से बेटा lb कट गया, यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा l प्लस b प्लस 2x। ऐसे ही मैंने ये किया है, ये क्या हो जाएगा l माइनस 2x, ये b माइनस 2x, b माइनस 2x बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करके तो बेटा ये आ जाएगा। बोलो क्लियर? अभी दिखा रहा हूं बेटा, दीप से कराना प्लीज, अभी दिखा रहा हूं। ये किसी ने पूछा था बेटा, किसने पूछा था? क्लियर मोहम्मद हारून, क्लियर बेटा। ये फटाफट जल्दी कॉपी करिए बेटा, यही डायग्राम है बेटा, एरिया का भी यही है, सर्कमफ्रेंस का भी यही है। दीप शिकार आना, चलो ठीक है मैं करता हूँ बेटा, आज थोड़ा मुझे टाइम अभी कम मिल पाता है इसलिए मैं नहीं कर पाता, लेकिन चलो करता हूँ कोशिश। बेटा 16 नंबर का डायग्राम सर्कल बनाया है बस मैंने, बता दूंगा बेटा, बता दूंगा रोहित जी, बता दूंगा। ट्रेपीजियम होता है समलंब, ये ट्रेपीजियम है समलंब, समलंब दीपशिखा, ट्रेपीजियम मतलब समलंब बेटा। आगे चलें बेटा, अब समलंब चलो देखो,
18 मार्क। सेमी सर्कल की हम बात करेंगे, देखो यहाँ सेमी सर्कल में कितनी चीजें अलग अलग होती हैं, ध्यान देंगे सेमी सर्कल में। रेडियस आर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फर्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्कल क्या होगा बेटा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। इसके बाद सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, परिधि अलग होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल 2πr पूरा होता है, πr πr। पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल πr प्लस 2r, बेटा ये πr प्लस 2r, ये πr, ये पैरामीटर मैंने बताया था ना, लेंथ ऑफ ऑल पाथ ऑन बाउंड्री रीजन ऑफ एनी क्लोज शेप, किसी भी बंद रीजन के चारों तरफ जितनी भुजाएं होती हैं उन सब का सम, पाई आर प्लस टू आर, आर हमने कॉमन ले लिया, पाई प्लस टू इंटू आर, पाई प्लस टू इंटू आर। बेटा आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लें इसके, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही घुमाने वाले से आते हैं, और मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको वो रख रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। चलो करें शुरू, कॉपी कर लिया, डरने की जरूरत नहीं है किसी को बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ भाई साइना, सर्कमफ्रेंस कहते हैं बेटा हम परिधि को, परिधि को सर्कमफ्रेंस, परिधि को कहते हैं, परिधि ये लेंथ ऑफ कर्व पाथ ओनली, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, परिधि। पैरामीटर मींस मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल पाथ, दिस प्लस दिस इज नोन एज पैरामीटर, परिमाप। जीत गोला बोलो क्लियर, चलो लो पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पहला देखते हैं। ये दोनों में क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में बेटा, पांच ऑप्शन होते हैं पता है आपको, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, सही है, यदि लंबाई से चौड़ाई 60 मीटर कम है, लंबाई से चौड़ाई 60 मीटर कम है तो आयताकार परिमाप क्या होगा। देखो बेटा द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 8:5 रेस्पेक्टिवली, If the breadth is 60 meter less than the length, what is the parameter of rectangular plot? What is the, ध्यान देंगे, length of rectangular plot, ध्यान दो बेटा। अब ये 8 और 5 13, 13 दूनी 26, आंसर बेटा 26 का मल्टीपल ही होगा, लेकिन 26 का मल्टीपल इसमें बेटा दो है, ये भी है और ये भी है। अब देखो लेंथ और ब्रेथ, ये 8:5, ध्यान देना बेटा, लंबाई ध्यान दो, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो ये इससे कितनी कम है, 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 20, 3 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 20, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 60, 60 मीटर कम है, यहाँ पे देखो चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, यहाँ 60 कम है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 20 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू। और पैरामीटर क्या होता है बेटा, बताया था अभी रेक्टेंगल का 2l प्लस b, 8 और 5 13, 13 दूनी 26, हमें 26 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 26 गुणा 50 बराबर 52, 520 है कहीं बेटा, 520, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया बेटा मैंने, एक लाइन में बेटा मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया, ध्यान रखना बिल्कुल भी टफ नहीं लगना चाहिए बेटा।
दिल से क्लियर, मक्खन बना दिया सर, थैंक यू थैंक यू, मक्खन बना दिया, खा लो, गुड इवनिंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताइए, पहला क्वेश्चन क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार और, चलो मंजू दोबारा समझो, एक बार और, सृष्टि चोपड़ा एक बार और, सुदीप चक्रवर्ती, मैंने बेटा कुछ नहीं किया, लो मैं क्या करता हूँ, मैं वैसा ही करता हूँ जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन का नेचर देखिए पहले, कि लेंथ और ब्रेथ का रेशो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5, और ये बोला है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है, 60 मीटर। यहाँ देखो ये चौड़ाई है, लंबाई कितनी कम है, 3 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 मीटर, 60 मीटर। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर हो गई। पैरामीटर निकालना है बेटा, क्या होगा, 2L+B, यानी कि 8 और 5 13 दूनी 26 हो गया बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर, तो 26 यूनिट की वैल्यू 26 × 20 520, बोलो बेटा क्लियर, 520 मीटर आंसर। रोहित यादव क्लियर गुरुजी, किसी ने पूछा, सुदीप चक्रवर्ती बोलो बेटा क्लियर, दिल से क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आराम से करना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ, प्यार से बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल प्यार से करना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट है, बाड़ लगाने की लागत 3300 रुपए है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस प्लॉट की फ्लोरिंग की लागत कितनी है। देखो बेटा यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर पार्क प्लॉट 15 रुपए पर मीटर, 3300 रुपए, यानी कि ये हमारा ये कोई सर्कुलर पार्क है और इसको ये हमने कवर किया तो हमें 3300 रुपए लगे, और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 15 रुपया। तो बेटा सरकमफ्रेंस कितनी आएगी हमारी, 2πr, 2πr बराबर कितनी हो गई बेटा, 3300 रुपये टोटल रुपया लगा, और 1 मीटर का कितना खर्चा है, 15 रुपया, तो टोटल कितने मीटर लगा होगा हमारा, ये जो हमारा बाड़ लगी होगी कितने मीटर लगी होगी, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 220, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, देखना आर कैसे करूंगा सॉल्व, 220 बेटा, ये 10 पे कट गया, ये बेटा 5 पे कट गया, 7 × 5 = 35, रेडियस कितनी आ गई इसकी बेटा, रेडियस बेटा 35 मीटर आ गई बेटा, 35 मीटर। अब क्या करना है हमें बेटा, ध्यान देंगे, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लोरिंग करानी है, तो हमें इसका एरिया चाहिए, और एरिया को फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मीटर, 100 रुपये से, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा बेटा 100 रुपया है, और हमने आपको एरिया क्या बताया था सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर कितना हुआ, 35 × 35, कितना खर्चा हुआ बेटा, 100, 100 रुपये खर्चा हुआ, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 22 × 7 = 35, ध्यान देना बेटा, 5 × 5 = 25, 22 × 5 = 25, 5 × 15 = 17 × 100 × 100, देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कैसे करेंगे, ये बेटा देखो सॉल्व करना सीखे क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती नहीं, यहाँ 11 कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो 350 × 100, देखना आप अब मल्टीप्लाई, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5, 33 और 5 = 38, 1020 हो गया 3,85,000, 3,85,000 बेटा, 3,85,000, देखूं कहीं ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं कर रखी इन्होंने, 3,85,000 बेटा मेरा आंसर आना चाहिए इसका, तो देखता हूँ एक मिनट रुकिए, बस टाइपिंग में भी एरर कर सकते हैं लोग, 3 लाख, पहला पहला ऑप्शन सही है बेटा, ये पहला ऑप्शन टाइपिंग एरर है, 3,85,000, ये बेटा ये नहीं है, ये नहीं है, 3,85,000, ए ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही बेटा, दिल से क्लियर बेटा, क्लियर हुआ सभी बच्चे बताइए, क्लियर, पंकज सिंह क्लियर, पंकज सिंह क्लियर, जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए बेटा, गुड इवनिंग बेटा, एकदम क्लियर सुदीप, एकदम क्लियर, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है,
आपको बेटा बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है कि कहां हमें क्या चीज दे रखी है, कहां हमें क्या चीज दे रखी है, बस यही समझना है। चीजों को कभी भी रटने की तरफ नहीं ले जाना, आपको केवल चीजों को समझना है बेटा। नहीं बेटा आज मेरी क्लास 6 बजे नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिधि क्या होगी? परिधि समझते हो, सरकमफ्रेंस, परिधि समझते। अब कुछ नहीं है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल क्या दे दिया हमें? पाई आर स्क्वायर, 616, 616 ये बेटा 22/7 आर, आर स्क्वायर बराबर 616। कटेगा नहीं कटेगा? जरूर जरूर कटेगा बेटा, जरूर कटेगा। देखो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 28 दूनी 56, आर स्क्वायर बराबर आया 28 × 7, आर बराबर आया अंडर रूट 28 को क्या ले सकते हैं, 4 × 7 28 × 7। देखो बेटा 4 का वर्गमूल 2, 7 × 7 49, 7 आ गया 14 आई है, यानी कि हमारी जो रेडियस है कितनी आ गई, 14। परिधि पूछी है, सरकमफ्रेंस बेटा बताया था, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बताई थी 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 × 22/7 × r 14, 7 दूनी 14, 22 × 88 सेंटीमीटर है कहीं बेटा? 88 बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट, 88 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया देख रहे हो आप, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बेटा। अंजलि क्लियर, मंजुल, अंजलि मंजुल, सृष्टि चोपड़ा, पंकज, साइना खान, क्लियर, दीपशिखा, सुदीप चक्रवर्ती, क्लियर। हाँ बोलो भाई रोहित यादव, एकदम क्लियर। थोड़ा कैलकुलेशन तो देखो बैंक के एग्जाम में, मेंस वाले में रहती है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। चलो देखो नेक्स्ट, यह एक आयताकार फ्लोर की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ध्यान देना बेटा, यदि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने के लिए 256 रुपए की जरूरत पड़ती है, लंबाई कितनी है? बड़ा गजब क्वेश्चन है, बड़ा गजब क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान दो, आयताकार फ्लोर की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, ध्यान देना मेरी बात है। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आता है, ध्यान दे, 2 रुपए, और पेंट कराने में हमें कितना रुपया दिया, 256, तो इसका एरिया निकलेगा बेटा, ये इसका एरिया निकलेगा कितना निकलेगा, 256/2, यानी कि 100, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 8 128, 128 लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि मैं कहूं चौड़ाई हमारी, ब्रेथ हमारी एक्स है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, 2x, एरिया क्या हो जाएगा, 2x × x 128, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, एक्स स्क्वेयर बराबर 64 आ गया, एक्स बराबर बेटा 8 आ गया। इसका मतलब है क्या पूछी है, फ्लोर की लंबाई पूछी है, और लंबाई कितनी है, 2x, 2 × 8 = 16, आंसर 16, 16। क्वेश्चन 2 का 350 आया है क्या बेटा, 350 आया है क्वेश्चन 2 का 385, नहीं बेटा 350 नहीं, 385, 385,000 आएगा बेटा। सही से देखिए, सही से देखिए जीत गोला, जहां तक मेरा मानना है 385,000 आएगा बेटा। 11 पंजे 55, 11 तिया 33, और 5 38 होता है, मल्टीप्लाई करिए, 350 कैसे आया ये बेटा, मैंने 2 × 11 कर लिया, 2 × 11 × 175, 22 को 2 × 11 लिख लिया बेटा मैंने, ये 175 × 2 कितना हो गया, 11 × 350 × 100, ऐसे आ गया बेटा। कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैंने इस 22 को 11 × 2 में तोड़ लिया, और 175 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 350 आ गया। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन बेटा, थोड़ा देख लिया करो।
जल्दी आ जाया करो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एरिया दिया है हमें पाई आर स्क्वेयर, ध्यान देना पाई 22/7, आर स्क्वेयर 616, काटपीट की हमने ये 28/7 आ गया, आर बराबर अंडर रूट, इसको लिख दिया 4 7 28 × 7 ये था ही, 4 का स्क्वेयर रूट बेटा 2 होगा, 7 7 में से एक बाहर आ जाएगा, रेडियस आ गई 14, सरकमफ्रेंस होती है बेटा दीपशिखा 2 पाई आर, 2 × 22/7 आर की वैल्यू 14, 7 2 14, 2 2 4, 22 4 88 आंसर। बोलो दीपशिखा, 4 नंबर देखो बेटा, अब ये 4 नंबर देखो बेटा, चौड़ाई कितनी है एक्स, लंबाई इसकी 2 गुनी हो गई। अब बेटा हमें 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्चा 2 रुपया है, यानी कि एक आपके घर में स्क्वायर मीटर काउंट हुआ, 1 वर्ग मीटर खर्चा 2 रुपया है, और आपने 256 रुपए दिए उसको टोटल, तो कितना एरिया टाइप कर पेंट कराया होगा, यानी कि ध्यान देंगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, तो 128 मीटर स्क्वायर एरिया आपने पेंट कराया होगा, और रेक्टेंगल है आयताकार है, आयताकार इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेस, 2x × x बराबर 128, 2 से काटा बेटा 64, x² बराबर 64, x बराबर 8, लंबाई कितनी हो गई 2 × 8, 8 2 16, 8 2 16, का अगला क्वेश्चन लो। दो वृत्तों का परिमाप 132 मीटर और 176 मीटर है, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, पैरामीटर क्या दे दिया हमें, एक का पहले का 2 पाई आर, ये स्मॉल आर कितना हो गया 132, 132, 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 22/7 × r बराबर 66, 22 × 66 r बराबर आ गया 21, देख रहे हैं इस सर्कल की रेडियस 21 आ गई। अब बेटा इसका कितना है 176, तो ये मैंने 2 पाई कैपिटल R ले लिया बेटा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 176, 2 × 22/7 × r, यहाँ से r निकला बेटा कितना, ध्यान दो 2 8 16, 2 8 16, 22 4 88, 7 4 28, यहाँ r बराबर बेटा हमारा 28 आया, दोनों के एरिया के बीच में अंतर पूछा है, तो इसका एरिया क्या होगा, रेडियस इसकी आर है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये अंतर हो गया, पाई कॉमन ले लिया बेटा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हो आर प्लस आर और बेटा आर माइनस आर, ये 22/7 आर प्लस आर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 49, घटाएंगे आर माइनस आर कितना आ गया 7, 7 से 7 कट गया बेटा, 9 2 18 है कहीं बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 × 49, यानी कि 11 × 49 दूनी कितना हो गया 98, 11 8 88, 11 99 और 8, 107, 1078 है कहीं बेटा, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, क्या हुआ बेटा सुभाष, क्या हुआ बेटा, क्लियर रोहित यादव, क्लियर। अब इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूं, देखो बताता हूं आपको, ऐसे तो बात बराबर ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे ठीक है, एक ही बात है, क्लियर सभी बोलिए बेटा, क्लियर, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना मेंस्ट्रुएशन के, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, ध्यान रखना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा,
ध्यान दो सुदीप, 2 पाई आर 132 दे दिया, यहां से बेटा आर की वैल्यू निकाली तो 21 आ गई। सुदीप थोड़ा प्लीज देखो बेटा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ ये 2 पाई कैपिटल आर 176, यहाँ से बेटा हमने आर की वैल्यू निकाली तो बेटा 28 आ गई। ये होता है दोनों का अंतर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम सुदीप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 22/7 आर प्लस आर, 21 + 28 49 हो गया, 28 - 21 7 हो गया, कट गया, 22 और 49 कितना हो गया 1078, 1078। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो, कैलकुलेटिव जरूर हो सकता है, यदि बाड़ लगाने की प्रति मीटर लागत 154 रुपए हो और इतना वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार खेत के गिर्द बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए फेंस अराउंड ए सर्कुलर फील्ड विद एरिया इक्वल टू दिस। एरिया दिया है बेटा हमें, एरिया दिया है, इफ द प्राइस पर मीटर ऑफ बिल्डिंग फेंस वाज रुपीज 154। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताना जरा, कोशिश करो, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, कोशिश करोगे जरा। यानी कि हमें एक बात दे रखी है, 5 कहां गया, बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी 154 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बोल दिया, तो जो भी हमारा क्या होगी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालने के बाद 154 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 154 से मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देंगे जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या दे दिया, 3,2378.5। अब ये बेटा प्योर कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है, एक बार मैं बस वैल्यू चेक कर लूं सही है क्या है, 3,2378.5 सही है बेटा। देखो यहां से आर स्क्वायर बराबर आप निकालेंगे, 32 आराम से करना बेटा, 37 8.5 × 7/11, यहां से पॉइंट हटाया हमने, यहां पर जीरो लगा दिया बेटा, 10 हो गया, 5 × 2 = 10, 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30, 2 + 5 = 20, 3 + 5 = 35, 2 × 5 = 25, 3 × 5 = 35 आ गया, चेक कर लेना बेटा एक बार। ये 22 आएगा, हाँ ये तो मैं कह रहा 22 11 क्यों आएगा, 11 से 2, 11 × 5 = 55 ध्यान देना, 11 × 5 = 55 कितना बचा बेटा, 9, 97, 11 × 8 = 88, 88 कितना बचा, 9, 11 × 8 = 88 कितना बचा, 7, 11 × 7 = 77 कट गया। अब देखो ये कितना, 7 से कटेगा, 7 × 8 = 56, 7 से भी कट गया, देखो इसको लिख सकते हैं 7 × 8 = 56, इसको 7 × 8 = 56 तोड़ रहा हूं मैं, और बेटा 2 × 7 = 28, 7 × 7 = 7 × 7/2 × 2। मैंने आपको कहा था बेटा ये आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट में, ये किसका होता है बेटा 29 का, बताया था स्क्वायर रूट 29 का, 30 तक याद कर लो सारे, ये 7 का / 2, ये आ गया हमारा। अब बेटा पैरामीटर कितना आएगा, पैरामीटर आएगा बेटा हमारा, परिमाप आएगा जानते हो 2 पाई आर, 2 × 22/7 × r आया हमारा 29 × 7/2, और कॉस्ट क्या दे दी 154, तो कॉस्ट भी आ गई 154 से मल्टीप्लाई, देखो 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हमें अब करना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, ये 11 × 29 = 58 × 154, अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, 8 × 32 किसमें आ रहा है, 32 इसमें आ रहा है आंसर, एक में ही 32 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 × 32 एक में ही आ रहा है बेटा,
और ये 11 से कट के तो 11 से कट जाएगा बेटा, 11 से कट जाएगा देख लो, 11 अठे 88 10 बचा, 11 99 3, 11 33 कट गया बेटा 98 252। अब ऐसा नहीं कि पूरा से सॉल्व करेंगे, आंसर आंसर मैं रोज पढ़ाऊं बेटा? नहीं बेटा नॉन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। हार्ड्स कहाँ है प्रांजल? नहीं बेटा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ना बेटा ये 11 से भी कटने वाला ऑप्शन है, सही है, और 7 से भी कटने वाला है। देखो 7 2 14, 7 2 7 से भी कट रहा होगा ये, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21, 7 6 42, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, और कोई नहीं कट रहा होगा, आंसर देख लो। और ये 8 6 32, 32 1 32, 2 यूनिट डिजिट बेटा, 2 1 में ही आ रहा है, बस इसी में आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं बेटा। मैं ठीक हूँ हर्ष? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये क्वेश्चन बेटा करने वाले होते हैं। अब इनसे घरना घबराना थोड़ी नहीं है। अब आप घबरा गए और बैंक पीओ आपको बनना है, आपको तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है बेटा, आपको तो बहुत बड़ी अरबों खरबों की कैलकुलेशन करनी है, अरबों खरबों, समझ रहे हो ना। नोट में बिल्कुल गर्म रहेंगे आप, गर्मी रहेगी नोट की आपके अंदर, आपके खाते में जाए ना जाए लेकिन रोजाना हाथों में होके बहुत जाएगा। पैरामीटर में 11 कैसे? दीपशिखा बेटा 11 कैसे, कहाँ 11 है ये बेटा, हमने 2 से 2 काट दिया, 7 से 7। अब बेटा इसको मैंने 2 11 गुणा 2, 11 गुणा 2 29 दूनी 58 कर लिया बेटा, 11 गुणा 2 2 को 29 से 58 कर लिया 154, 154 बेटा। नहीं घबराना थोड़ी नहीं बेटा, जिंदगी में क्या घबराना। अब जिस चीज से हमें कुश्ती लड़नी है, हमें पता है हमें से कुश्ती लड़नी ही है, तो क्या घबराना, दिल खोल के लड़ो, दिल खोल के लड़ो बेटा। डन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। ओहो, उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अब क्या क्वेश्चन कह दिया, इतना क्वेश्चन घुमा दिया, इतना क्वेश्चन घुमा दिया। अब इसके परिमाप के दुगने के बराबर है, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है, तो 2l+b 8 + 7 का दुगना बराबर 4a, 2 2 4 8 7 15, साइड कितनी आ गई 15, एक लाइन में खत्म। अब उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि पूछिए बेटा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस नॉट पैरामीटर, सरकमफ्रेंस कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है, जिसका व्यास डायमीटर, डायमीटर हमारा कितना हो गया 2r बराबर वर्ग की भुजा 15, तो बेटा r बराबर हो गया हमारा 15/2। हमें सरकमफ्रेंस पूछी है, क्या सर, किस किस अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल की, बताया था पाई आर, पाई आर 22/7 × 15/2, 2 से कट गया 11, क्या पॉइंट में है, हाँ पॉइंट में, तो 15 1 15, 15 1 15 और 1 16, 165/7, 7 2 14, 2 बचा 7 3 21, 4 7 5 35, 23.57, 23.57 ये रहा बेटा 23.57। कितना बड़ा क्वेश्चन था देखने में, देख रहे हो आप कितना बड़ा क्वेश्चन था देखने में। हम बेटा आज मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, आखिरी सांस तक लड़ना है, बिल्कुल रोहित यादव बिल्कुल। बेटा बाद में नहीं पता किसकी क्लास होगी, ये आर्मी में ही है रोहित भैया, आर्मी में ही है, ध्यान रखना। क्लियर बेटा? सभी बोलो क्लियर, सभी बोलो बेटा। अगला क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप का दुगुना है, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है 240, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि आंसर लगा बैठेंगे। एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का दुगुना है, यानी कि
चार ए बराबर ये टू एल प्लस बी, सही है, कितने गुना है, दो गुना है, गुणा दो गुणा दो। अब यहां से बेटा दो दूनी चार, ए बराबर कितना आ गया एल प्लस बी, और क्या दे दिया हमें आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240। अब बेटा यहां से ध्यान देना, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240। क्या यहां से आप एल और बी निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, हमारे पास एल और बी निकालने का कोई तरीका है ही नहीं है, न इसमें लंबाई दे रखी है न इसमें चौड़ाई दे रखी है, और जब तक हमें लंबाई चौड़ाई नहीं मिलेगी तब तक हम बर्क की भुजा नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक बर्क की भुजा नहीं निकाल पाएंगे तब तक बेटा हम बर्क का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। कैन नॉट डिटरमाइन, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल रोहित यादव, बिल्कुल सही, यू आर राइट रोहित, जल्दी बोलो क्लियर। जादू है जादू? नहीं बेटा जादू नहीं है। चलो देखता हूं बेटा, मैं देखता हूं हर्ष, चलो देखता हूं, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने बेटा सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपका न्यू बैच 6 मंथ का कब से स्टार्ट होगा बता दूंगा बेटा मैं, हर्ष बता दूंगा, ठीक है रोहित, जरूर बताऊंगा मैं आपको, जरूर बताऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ध्यान दो अगला क्वेश्चन लो, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 है। क्या बोला? एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है बेटा, वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि दोनों का परिमाप हो गया, परिधि हो गया, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप का योग कितना होगा बेटा? गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है बेटा, प्रिया मेरी क्लास तो चलेगी, मैं तो जब तक नहीं छोड़ता बच्चे को जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता बेटा, मैं छोड़ता नहीं हूँ, पकड़ लेता हूँ ना जिसको, उसको छोड़ता नहीं हूँ जब तक, कब तक, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए बेटा, जिद है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, साथ रहेंगे सक्सेस तक बेटा। तो ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का, आपको इंतजार करना पड़ेगा बेटा अगली क्लास का। चलो आज की क्लास यही और होती है, थैंक यू, धन्यवाद।